भारत के चंद्रयान 3 की सफलता को पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे उसने इतिहास रच दिया। ना सिर्फ पहली बार चांद के दक्षिणी पोल पर कोई मिशन कामयाब हुआ, बल्कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने अपना काम भी बखूबी निभाया। दुनिया भर के वैज्ञानिकों और नेताओं ने भारत को मुबारकबाद भी दी। इसी कड़ी में अब ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने चांद मिशन की घोषणा कर दी है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब ऑस्ट्रेलिया भी चंद्रमा पर अपना पहला रोवर भेजने जा रहा है और उसने इस बात का ऐलान भी कर दिया है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी यानी कि ASA ने इसकी घोषणा की है कि वो अपना मून मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। वो नासा के आर्टेमिस मून मिशन के साथ अपना रोवर भेजेगा। ये मिशन 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। ये एक रोबोटिक रोवर होगा जो चांद की सतह पर मिट्टी यानी कि उसके रेगोलिथ की जांच पड़ताल करेगा। नासा का लक्ष्य इस रेगोलिथ के जरिए ऑक्सीजन निकालने का है जो चांद पर लंबे समय तक मानव उपस्थिति के लिए उपयोगी हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया स्पेस एजेंसी नासा के साथ मिलकर ट्रेल ब्रेजर कार्यक्रम के तहत रोवर बनाएगी जो चंद्रमा और मंगल के लिए कार्यक्रम बनाया गया है। रोवर में ऑस्ट्रेलिया के रिमोट ऑपरेशन विशेषज्ञता का उपयोग किया जाएगा, जिसमें चंद्रमा के मिट्टी के नमूने जमा कर उसके ऑक्सीजन निकालने के प्रयोग किए जाएंगे। बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया का रोवर चांद की सतह पर मिट्टी एकत्रित करेगा, जिसे रेगोलिथ के नाम से जाना जाता है। मिट्टी के बरामद होने के बाद नासा उस नमूने से ऑक्सीजन निकालने का प्रयास करेगा। अगर नासा को इसमें सफलता मिलती है तो कई चीजें आगे बढ़ सकती हैं। चंद्रमा से ऑक्सीजन निकालने की क्षमता का विकास करना चंद्रमा पर लंबे समय से मानवों की उपस्थिति के लिए बहुत ही अहम प्रयोग है। इस रोवर को नासा के भावी आर्टेमिस अभियानों के लिए बहुत अहम होगा। आर्टेमिस अभियान का सबसे प्रमुख चरण साल 2026 को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि ये अभियान ऑस्ट्रेलिया के अंतरिक्ष उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसी बीच रोवर का नाम रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया की अंतरिक्ष एजेंसी ने एक प्रतियोगिता भी शुरू की है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को रोवर के लिए एक नाम प्रस्तावित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इसके लिए आवेदन 20 अक्टूबर तक ही लिए जाएंगे। इसके बाद एजेंसी सार्वजनिक वोट के लिए 4 पसंदीदा नाम को छांटेगी। जिस नाम को रोवर के फाइनल किया जाएगा, उस विजेता नाम की घोषणा दिसंबर की शुरुआत में की जाएगी। बता दें कि भारत ने अपने रोवर का नाम प्रज्ञान रखा है और लैंडर का नाम विक्रम रखा है। दोनों ने चांद की सतह पर ऐसा करिश्मा कर दिखाया है जिसे देखकर पूरी दुनिया चमत्कृत रह गई है। अब समझते हैं कि नासा की प्लानिंग आखिरकार है क्या। दरअसल नासा इस दशक के खत्म होने तक चांद पर स्थायी इंसानी बस्ती बनाना चाहता है। यहाँ जो भी स्टडी की जाएगी उसका इस्तेमाल बाद में मंगल पर इंसानी मिशन भेजने के समय किया जाएगा। नासा ने पिछले साल अपना आर्टेमिस मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। अब नासा आर्टेमिस 2 मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजना चाहती है। इस मिशन के लॉन्चिंग की संभावना अगले साल के अंत तक है। इसके बाद आर्टेमिस 3 की शुरुआत होगी जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।